सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 20% 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। अगर ऐसा सवाल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुन लीजिए, आपसे कह रहा है कि कितना मूल्यांकित करेंगे कि 2 गो छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो जाएगा, इस जरा बताइए। सुनिए, तो ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर है, तो एगो तक फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि एक्स प्लस वाई या माइनस एक्स वाई या बटा 100%, इस पर भी आप रगड़ के निकाल सकते हैं, रगड़ दीजिए इस पर, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 और बट्टा में 100, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कटा, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, 28% हुआ दोस्तों, 28% छूट हुआ ना, तो ऐसे कर लीजिए, ये 28% का मतलब बट्टा में 100, काट दीजिए, 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में, ये आया आपका कितना, 7/25, देखो इस 7/25 जो आया ना, बस इसको घटा दो, क्योंकि छूट है ना, तो छूट कर दो, घटा दो, छूट रहेगा मेरे तो घटाओ, 25 में से 7 गया 18/25, इतना निकाल लीजिए, बस काम हो गया, सुनिए, ये 18/25 निकाल लिए, का है, सुनिए, 28% छूट हो गया, तो जो 72% बचा ना उसी का मान है, और ये 18/25 जो लिख लिए, उसके बाद जितना प्रतिशत लाभ आप कमाना चाहते हैं, एक सौ में उतना जोड़ के लिख दीजिए, 100 में उतना जोड़ दीजिए, तो 100 में जोड़ दीजिएगा 8%, 108% होगा, बस इस सामान का दाम आ जाएगा, 18/95, 18 × 6 = 100, 25 × 6 = 150, 1 बराबर हो गया 150%, अभी 150% क्या आया से सुन लीजिए, 1 और 100 डिनोट बाय ऑल वैल्यू, यानी एक दिन में और 100% में पूरे को दर्शाता है, यानी कि 150% उस सामान का पूरा दाम छापना होगा,